So hello guys, welcome back to the channel. This is Chinmay Pardikar and you are watching my channel Pardikar Chinmay Vlogs from Apla Pune. So yeah, ये है नया LHB कोच और स्टेडियम कोच. तो इससे हम जा रहे हैं अभी मुंबई के लिए और अपनी जर्नी का फर्स्ट पड़ाव जो हम जा रहे हैं मुंबई और उसके बाद का आपको पता ही है. देखते कैसा होता है. और इस ट्रेन का, इस डेक्कन क्वीन का 93 साल पूरे हो गए. सो इसी वजह से इससे ट्रैवल कर रहे हैं हम और देखते कैसा अनुभव मिलता है और क्या होता है. मिलते हैं, मिलते भेटू साल्यावर. चला, थैंक यू थैंक यू. So yes guys, now we are leaving from Pune. Yes guys, now I am at Deccan Queen में विस्टाडोम कोच है. यानी कि कुछ मेन मेन रोड पे विस्टाडोम कोच दिया है इंडियन रेलवेज ने. सो एक पुणे मुंबई, मुंबई पुणे के लिए है और एक मुंबई से गोवा भी है. यही इसकी खासियत है. मतलब यहाँ से पीछे से हम नज़ारों का दृश्य और जो लोनावला वाला जो रोड है वो बहुत ही बढ़िया है. आप वहाँ से देख सकते हैं बढ़िया नज़ारे वगैरह. यहाँ पे स्पेसियस बैठने के लिए भी जगह है, फैन वगैरह है और ये यहाँ पे बैठने के लिए जगह वहाँ पे. और कोचेस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. ये बैठने के लिए बहुत स्पेसियस है और यहाँ पे कैंटीन भी है. आप कुछ ले भी सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं खाने के लिए. विस्टाडोम कोच का वॉशरूम है और यहाँ पर एक बेसिन है. पानी भी बहुत सो आता है, एकदम ओके है. सो और हम यहाँ से ये स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं. ये बंद है अभी और ये यहाँ से चालू होता है. ये बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही सुपर है. पहली बार मैंने एक इंडियन ट्रेन में देखा है ये. ऑफ ऑन टच है, सिर्फ टच करने का. ऑफ ऑन सुपर है. वॉशरूम में बहुत ओके, स्लाइड करके अंदर आना पड़ता है. लॉक हो गया और सुपर. यहाँ पे तो सोप डिस्पेंसर मिलता है निपटाने के लिए. वॉशरूम भी ओके ओके, वेस्टर्न है और सब ओके में. यहाँ पे वेज कटलेट अभी हम जाएंगे और हमारे इस नाश्ता का आनंद लेंगे वहाँ पे जाकर बैठ के. सो देन यस गाइस, नाउ अभी जाते हैं थोड़ा सा जो बोगी है उसका भी एक्सप्लोर करते और वहाँ पे आपको मिलने वाला लेग रेस्ट है जहाँ पे आप पैर रख सकते हैं. लेग रेस्ट है वहाँ पे, टेबल भी है, हेड रेस्ट है उसके बाजू में, टेबल है वो आपको दिखा दूँ मैं. अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हम ऐसे बैठ के खा सकते हैं. जो बैठने की जो जगह है मतलब तो कुर्सी है वो बहुत ही बढ़िया है और एकदम आरामदायी है. एकदम पीछे का नज़ारा देखेंगे और लोनावला में बहुत ही मज़ा आने वाला है. लोनावला में आपको दिखाएंगे कैसा और डबे टने जाएगा कोई, बहुत ही मज़ा आएगा. ब्लॉग में आपको सब मैंने बता दिया है. आरामदायक कुर्सी है, बहुत ही बढ़िया है, उसको रोटेट कर सकते हैं. यहाँ पे एक वीडियो भी आपको दिखा दूंगा मैं ट्रेन में. और ये जो कोच है मतलब ये यहाँ से हम एंट्री करते हैं, छोटी सी जगह है तो यहाँ पे हम घूम वगैरह सकते हैं और देख सकते हैं नज़ारे का आनंद ले सकते हैं यहाँ से. और ये मेरे पीछे देखिए ये वाला सीन है कि आप यहीं से देख सकते हैं. बट एक सीन ऐसा है
पुणे से मुंबई जाते वक्त ही आपको ये वाला नज़ारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुंबई से जब आती है पुणे के लिए तो वहीं से इस साइड पे इंजन लगता है, यानी कि यहीं से रिटर्न आता है, तो इस डब्बे के पीछे ही, इस कोच के पीछे ही यहाँ पे इंजन लगता है। लेकिन आपको वो देखने को नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पे नज़ारे मिलते हैं अभी देखने के लिए। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप पुणे से मुंबई ट्रैवल कीजिएगा। ऐसा था हमारा आज का ये डेक्कन क्वीन का बढ़िया सा व्लॉग। और डेक्कन क्वीन 93 साल पूरे हो गए इसको, जो कि इसका बहुत लंबा सफ़र था। जैसे कि अब हम थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे रुका था और टिकट कलेक्टर जो है टीसी जो है उन्होंने मुझे बताया कि उनसे थोड़ी बात वगैरह हो गई, वो भी यूट्यूबर है, मतलब अभी भी स्टार्ट किया है उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो अंग्रेज़ों ने उनके बच्चों के लिए आने जाने के लिए चालू की थी, वहीं से तब से ये डेली वाली ट्रेन चालू हुई है। ये मुंबई की लोकल, मुंबई की शान लोकल। सो अभी हमें हमारा ट्रैवल भी आगे का वैसे ही होने वाला है। मैंने ये सोचा कि ये जो ब्लॉग है हमारा हम यहीं पे एंड कर देते हैं, मैं अभी मेरे बहन के यहाँ जाऊँगा, देन वहाँ से हमारा कल से आस्के वाला ट्रैवल चालू होता है। सो भैया अभी टाइम हुआ है 10 बजे और 10:10 को दादर पहुँचते हैं और दादर से मुझे जाना है, तो आगे 5:30 बजे की आपकी ट्रेन है दिल्ली के लिए, संपर्क क्रांति, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उसे हम जा रहे हैं। और उसका भी आपको व्लॉग पूरा मिलेगा, सब देखने को मिलेगा, पूरा ट्रैवल जर्नी 19 आवर्स की। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। और आपको ये विस्टाडोम कोच और ये डेक्कन क्वीन का नया दुख कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।